हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। यहाँ पे ओपनिंग चेस ओपनिंग और ओपनिंग ट्रैप के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी दोस्तों। क्या सिर्फ ओपनिंग सीख लेने से आप गेम जीत सकते हो? तो नहीं, इसके लिए आपको टैक्टिकल भी स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आपकी कोई पोजीशन मैंने अच्छी बना दी ओपनिंग सिखा के, लेकिन बाद में आपको टैक्टिकल मूव्स मतलब कॉम्बिनेशंस, नाइट फॉर्क पिनिंग, ये सारी टैक्टिकल नहीं आएगी तो आप गेम अच्छे से नहीं खेल पाओगे आगे, और प्लस हुई गेम भी आप लॉस हो जाओगे। इसीलिए आपका डीप थिंकिंग जरूरी है। जितना भी आप ज़्यादा सोचो चेस में, चार मुंह पांच मुंह तक आप कैलकुलेट कर सको, यही बहुत ही बढ़िया रहता है। तो देखो, यहाँ से मैं आपको कुछ वीडियो में टैक्टिक्स भी सिखाऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं टैक्टिक्स के बारे में। तो कोई पोजीशन में आपको परफेक्टली कैसा खेलना है, अब ये पोजीशन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके सामने 10 पोजीशन हर रोज हर एक वीडियो में दूंगा। आपको क्या करना है, बोर्ड के ऊपर बोर्ड रखना है दोस्तों, नहीं आपको मोबाइल में या इसमें सॉल्व करना है, बोर्ड रखना है। और बोर्ड के ऊपर जो भी पोजीशन यहाँ दिखती है, पहले वीडियो पॉज करके आप पोजीशन को सेटअप कर दीजिए, फिर 5 से 10 मिनट तक सोचिए। अगर आपको जल्दी ये पोजीशन का मूव मिल जाता है, विनिंग मूव, आपको सिर्फ क्या करना है, विनिंग मूव। मान लो कि आप एक गेम खेल रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं समझना कि मैं पजल कर रहा हूँ। कोई भी पजल को पजल की तरह से आप करोगे तो आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन मान लो कि आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते यहाँ से आपको जीतना है, तो बेस्ट मूव क्या होनी चाहिए? अब आप यही पोजीशन अपने बोर्ड पर सेटअप कर लीजिए और वीडियो पॉज कर लीजिए और थिंक कर लीजिए। मैं आपको तुरंत जवाब देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आंसर पहले मत देखिए, पहले वीडियो पॉज करके पोजीशन बना के खुद सोचिए, बाद में मेरे आंसर से कंपेयर कर लीजिए। चलो, यहाँ पे बेस्ट मूव है, ओके, यहाँ पे बेस्ट मूव है नाइट d5 सैक्रिफाइस। अब देखो पोजीशन में, अगर ब्लैक आपके क्वीन लेता है, एक क्वीन टेक्स क्वीन, देन मेट इन 3 मूव्स, नाइट c7 चेक। अब किंग कंपलसरी f8 पे जाएगा, आफ्टर रुक d8 चेक, फोर्सफुली एक ही मूव है बिशप d8 और रुक टेक्स e8 चेक। तो ये थी चेकमेट इन 3 मूव्स की पजल। लेकिन जब हम गेम खेलते तो ऐसी मूव्स दिखती नहीं है जल्दी कि हम नाइट हटाएंगे तो हमारी क्वीन मर जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि मेरी क्वीन लॉस हो रही है, लेकिन टैक्टिकल मूव आप देखिए, नाइट d5 के बाद ब्लैक के पास और कौन सा ऑप्शन है, और सारे ऑप्शन में ब्लैक लॉस हो रहा है, क्योंकि क्वीन तो बचानी है, उसकी क्वीन भी हैंगिंग है। अगर क्वीन को मान लो कि d6 पे ले लिया, तो यहां भी व्हाइट प्लस हो रहा है, माइनस तो नहीं हो रहा है, नाइट से नाइट मार के सिंपल पीस अप हो रहा है। एक और भी मूव है आपके पास, बिशप टेक्स नाइट। तो ये पोजीशन में कंप्लीटली व्हाइट की विनिंग है। ओके, मान लो कि उसने पॉन टेक्स नाइट किया, तो सिंपल आपको क्वीन मिल रही है। तो हर एक मूव यानी पूरी गेम का रिजल्ट आ जाता है सिर्फ एक मूव से दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखो कि जब भी आप गेम खेलते हो तो कोई ना कोई टैक्टिकल मूव, सैक्रिफाइस मूव, ऐसे सोचते रहिए। चलिए दूसरी पोजीशन आपको बताता हूँ, जबरदस्त पोजीशन है सभी। ओके दोस्तों, ये रही दूसरी पोजीशन आपके सामने, सेकंड पोजीशन। और यहाँ पे दोस्तों व्हाइट टू प्लेन विन करना है आपको। मोस्टली मैं ज्यादातर पहले व्हाइट टू प्लेन विन के ही पजल आपको बताऊंगा, पोजीशन बताऊंगा। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज कर देना है, पोजीशन सेटअप करनी है और अपने दिमाग से आइडिया ढूंढना है, बेस्ट चॉइस। अब मैं आपको बताऊंगा तुरंत ही, नेचुरल मूव है। पहली मूव तो नेचुरल है कि जब भी दो रुक कनेक्टेड है ओपन फाइल में, दोनों रुक बैटरी बनी हुई है, तो यहाँ पे पहला मूव जो है रुक d7 सभी को दिख जाएगा और आपको भी दिख गया होगा रुक d7। अब देखो ब्लैक के पास ओनली चॉइस है क्वीन टू f8, क्योंकि क्वीन टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रुक का सपोर्ट है, और क्वीन ये पूरे डायगोनल में कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है, क्वीन यहाँ भी मूव नहीं कर पाएंगी। क्वीन f8 ओनली मूव है, और उसके बाद जो मूव है वो बहुत ही शॉकिंग मूव है, जो है क्वीन टू g6 चेक, h टेक g6 और h7 चेकमेट। देखो
कितना इजी मेट थी, लेकिन हम जब गेम खेलते हैं तो ऐसी मेट दिखती नहीं है और हम कुछ और ही सोचने में लगे रहते हैं कि सेक्रीफाइस क्यों करना है। सेक्रीफाइस के बारे में आप जब भी सोचोगे तो कोई ना कोई जबरदस्त मूव मिलेगी। अगर देखो यहाँ पे पॉन टेक्स क्वीन नहीं हो रहा है तब भी ब्लैक की मेट कंपलसरी है। बिशप जी सेवन के बाद रुक टेक्स जी सेवन चेक, किंग एच एट और क्वीन एच सेवन चेकमेट। चलिए आते हैं थर्ड पोजिशन पे। दोस्तों ये पोजीशन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, पोजीशन सेटअप कीजिए और यहाँ पे मूव ढूंढ निकालिए। व्हाई टू प्ले फाइंड द बेस्ट मूव फॉर विनिंग आइडिया। तो चलिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, सबसे पहली मूव है बिशप डी सेवन। अब ये मूव किसी को भी नहीं मिलती, ज्यादातर ऐसे प्लेयर है जो हिडन मूव है, एकदम हिडन, क्योंकि सामने वाले की क्वीन अनसपोर्टेड है और क्वीन बिशप मूव करके कभी भी ज्यादातर लोग को मैंने ये पजल दी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं रुक सेक्रीफाइस ढूंढ रहे, रुक टेक बिशप क्वीन टेक देन नाइट टेक फिर ये, पर उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है, उससे ऊपर से व्हाइट लॉस हो रहा है। बेस्ट मूव है यहाँ पे बी डी सेवन बिशप डी सेवन में। अगर ब्लैक आपका बिशप ले रहा है तो सिंपल क्वीन टेक क्वीन, आप क्वीन प्लस होते हो, और अगर ब्लैक क्वीन टेक क्वीन ले रहा है तो आपको इंटरमीडिएट मूव करना है। इंटरमीडिएट मूव के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिए आगे के वीडियो में। बिशप टेक्स ई सिक्स पहले चेक और किंग एफ एट, उसके बाद आप पीस प्लस होते हो, पहले बिशप ले लिया बाद में क्वीन भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, पोजीशन नंबर फोर्थ। ओके दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो पोजीशन है सिंपल एंड गेम की है। ब्लैक के पास टू पॉन और रूक है, व्हाइट के पास रूक और नाइट है। अगर ये गेम एंड गेम में जाती है कम्प्लीटली तो गेम ड्रॉ पोजीशन ज्यादा है, क्योंकि टू पॉन वर्सेस नाइट कभी भी व्हाइट नाइट सेक्रीफाइस करके दोनों पॉन ले सकता है और रूक वर्सेस रूक एक्सचेंज हो जाएंगे तो ड्रॉ हो जाएगी, पोजीशन ये कहती है। लेकिन व्हाइट के पास एक विनिंग चांस है इसमें और मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे रूक एफ सिक्स। कई लोगों को मैंने ये पोजीशन सेटअप की, लेकिन ज्यादातर लोग रूक ए सेवन चेक और उसके बारे में ढूंढते हैं, लेकिन वो गलत मूव है। रूक एफ सिक्स के बाद कम्प्लीटली व्हाइट विनिंग है, क्योंकि डिस्कवर क्रिएट हो रहा है। डिस्कवर चेक के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे हम डिस्कवर बना रहे हैं, अपने एक ही लाइन में दो पीस करेक्ट कर दिए। ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, ई एट जी एट, जी एट जाता है तो नाइट एट सिक्स चेक, आफ्टर किंग गोज एनीवेयर देन रुक टेक्स रुक, और वही पोजीशन अगर ब्लैक ई एट जाता है तो नाइट जी सेवन चेक आफ्टर किंग ई सेवन और आपको यहाँ पे रुक मिल रहा है, तो पोजीशन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। ओके दोस्तों ये पोजीशन में आपको ढूंढा है व्हाइट टू प्लेन बी। चलिए मैं बताता हूँ आंसर, बिशप टू एफ एट। बिशप एफ एट के बाद क्या हो रहा है, अगर ब्लैक आपके क्वीन ले रहा है, डिस्कवर्ड अटैक है, बिशप जी सेवन इज ए चेकमेट, तो क्वीन नहीं ले सकता ब्लैक। बिशप एफ एट के बाद अगर ब्लैक ने रुक टेक्स बिशप किया तो सिंपल आपको क्वीन मिल रही है, तो क्वीन बिशप के बदले क्वीन इज गुड। और तीसरा ऑप्शन है ब्लैक के पास नाइट टेक्स पॉन, यहां भी आपको पीस मिल रहा है, जैसे कि क्वीन एक्सचेंज करेंगे पहले आफ्टर रुक टेक्स क्वीन बिशप टेक्स नाइट और यहाँ पे पीस अप होते हो, तो तीनों तरीके से आप गेम जीत रहे हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं नेक्स्ट पोजिशन। ओके दोस्तों पोजीशन नंबर सिक्स आपके सामने है, यहाँ पे आपको क्या करना है व्हाइट टू प्लेन विन। चलिए आंसर मैं तुरंत बताऊंगा, बिशप टू बी सिक्स, सैक्रिफाइस द बिशप। देखो यहाँ पे व्हाइट के ब्लैक के पास क्या चॉइस है, क्वीन पे अटैक है, पॉन से बिशप सपोर्टेड है। अगर ब्लैक ने क्वीन मूव कर दिया तो सिंपल आप एक्सचेंज अप हो जाओगे, बिशप टेक्स रुक, बिशप के बदले रुक सिंपल है। अगर ब्लैक ने पॉन टेक्स बिशप किया, आपका बिशप ले लिया तो यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, अब देखो क्वीन टेक्स पॉन और यहाँ पे आपको बिशप के बदले रुक मिल रहा है। व्हाट अबाउट रुक टेक्स रुक? ओके अगर आपने पॉन टेक्स पॉन किया, ब्लैक ने पहले रुक टेक्स रुक किया, तो यहाँ पे आपको क्वीन नहीं बचानी है, उसकी क्वीन मारनी है अपोनेंट की, और जब आपकी क्वीन मर रही है तो बाद में रुक भी मिलेगा और यहाँ पे आपकी क्वीन प्रमोट भी हो जाएगी और आप क्लियर कट गेम विन हो जाओगे। तो ये सारे कितने मूव्स का थिंकिंग है हर एक पोजीशन में, आप देखो कि जब भी हम सोचते हैं तो जैसे बिशप इंटू एच सिक्स देखते हैं गेम में तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, नाइट जी फाइव चेक देख रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। पर कुछ ऐसे मूव्स होते हैं हिडन मूव जिसे कहते हैं,
तो बिशप बी सिक्स बहुत सोचने के बाद ऐसे मूव मिलते हैं। गेम में जब भी आप टूर्नामेंट खेलने बैठते हो, टाइम प्रेशर रहता है, आप आराम से सोचिए, और जब भी आपको लगता है कि इस पोजीशन में यहाँ से मैं गेम जीत सकता हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ तो मूव्स है, ऐसे चांसेस बार बार कभी भी गेम में नहीं मिलते दोस्तों। तो ऐसे चांसेस मिस नहीं हुए, इसीलिए आपको मिडल गेम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोचना होता है। अब यहाँ पे आप बिशप बी सिक्स के बारे में सोचोगे, लेकिन पहले खेल नहीं दोगे, पहले सोचोगे कि बी सिक्स के बारे में क्या हो रहा है, कि अगर क्वीन मूव करता है तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि हम रुक मार देंगे, दूसरा ऑप्शन हम सोचेंगे अगर उसने क्वीन नहीं मूव किया, पॉन से बिशप ले लिया तो हम पॉन से पॉन मारेंगे, फिर क्वीन क्वीन पे अटैक आएगा, तो फिर ऐसे आप ऐसे ऐसे करके डीप में जाओगे और हर एक वेरिएशन कैलकुलेट करके फिर आप फाइनल मूव सेक्रीफाइस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पोजिशन देखते हैं। ओके, यहाँ पे वाइट टू प्लेन विन, आंसर मैं तुरंत बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे नाइट पिनिंग है और क्वीन और रूक एक ही लाइन में है और डिस्कवर का कुछ न कुछ यहाँ पे कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको करना है क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन टेक्स डी फोर। नाइट से नहीं ले सकता तो फोर्सफुली पॉन टेक्स डी फोर जरूरी, और आफ्टर पॉन टेक्स डी फोर बिशप एफ सिक्स डिस्कवर चेक, आफ्टर रूक टेक्स बिशप और क्वीन टेक्स रूक टेक्स क्वीन। तो यहाँ पे सिंपल आप कुछ टैक्टिक के बाद, कुछ मूव्स के बाद पीस प्लस हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसे वीडियो अगर आपको पोजीशन के बारे में देखने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बना सकूं, आपको मजा आएगी इसमें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे वाइट टू प्लेन विन, अब आपको थोड़ा सोचने पर ये आंसर मिल ही जाएगा। पॉन टेक्स पॉन, अब देखो ब्लैक की क्वीन हैंगिंग है, अगर क्वीन बचाने जाता है तो पॉन टेक बिशप पीस प्लस होते हैं। अगर ब्लैक ने आपकी क्वीन ले ली यहाँ पे, तो नेक्स्ट मूव पॉन टेक्स जी सेवन चेक, आफ्टर किंग जी एट तो पॉन टेक्स रुक चेक में, और अगर किंग ई एट जाता है तब भी आप प्लस होते हो, पॉन टेक्स रुक मार के चेक और स्क्यूअर भी हो रहा है, और नेक्स्ट मूव में आपको यहाँ पे रुक भी मिलता है, कंप्लीटली विनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नाइन्थ नंबर की पोजीशन आपके सामने, यहाँ पे व्हाइट एक जबरदस्त तरीके से चेकमेट कर रहा है। मैं मूव बताऊंगा आपको, शॉकिंग मूव है रुक डी सेवन। अब देखो यहाँ पे क्वीन जी सेवन चेकमेट की थ्रेट, अब इसे सेव करने का कौन सा ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन है नाइट एफ सेवन, क्योंकि बिशप ऑलरेडी पिन है और क्वीन इंटरपोज किया तो आप सिंपल रुक टेक्स क्वीन मार दोगे और प्लस हो जाओगे। तो नाइट एफ सेवन के बाद यहाँ जबरदस्त मूव है क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन जी एट मेट इन टू आफ्टर किंग टेक्स क्वीन, और यहाँ पे रुक ई एट चेक में। चलिए लास्ट पोजीशन आज के वीडियो की देखते हैं। विनिंग और लूजिंग दोस्तों पोजीशन पे डिपेंड है, ना कि पीसीस पे। आप देख सकते हो इसमें ब्लैक कम्प्लीटली बिशप प्लस है, रुक प्लस है सॉरी, ब्लैक के पास दो दो रुक है और बिशप भी है और क्वीन है, व्हाइट के पास एक बिशप रुक और क्वीन, मतलब पूरा रुक डाउन है व्हाइट, लेकिन ये पोजीशन ऐसी है जिसमें कम्प्लीटली व्हाइट विनिंग हो रहा है और बहुत ही जल्दी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने मूव नहीं निकाला तो आप गेम 100% हार जाओगे, क्योंकि ब्लैक को अगर जरा भी चांस मिल गया गेम बचाने का तो उसके पास दो रुक है, एंड गेम में जल्दी कन्वर्ट कर देगा और आपके हाथ से चांस चला जाएगा। लास्ट पोजीशन में बताऊंगा आपको आंसर, रुक सैक्रिफाइस करना है, रुक टू ये चेक। अगर किंग टेक्स रुक मार दिया तो क्वीन ई फाइव चेक, किंग डी एट और क्वीन ई सेवन चेक में, अगर चेक में किंग एफ एट जाता है तब भी क्वीन ई सेवन चेकमेट हो रहा है, और अगर रुक सेक्रीफाइस अगर ब्लैक ने रुक से एक्सेप्ट किया तब भी आप मेट ढूंढ ले रहे हो, क्वीन एच फोर चेक, जी फाइव क्वीन टेक्स जी फाइव चेक, रुक फोर्स इंटरपोज आफ्टर क्वीन टेक्स रुक चेकमेट। तो दोस्तों कैसी लगी पोजीशन कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाई बताइए मुझे, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए नए बनाकर लेता रहूंगा। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।